सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्मिस गुड लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और है तो हमेशा ऐसे रहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की पोएम जिसका नेम है द ट्रीज और जिसका जो पोइट है उसका नेम है एड्रियन रिच। ये एक पोइट कवियत्री है लेकिन इस पोइम में इसको पोइट से ही दिया गया है। इंग्लिश में पोइट एंड हिंदी का इसका जो ट्रांसलेशन है वो लिया गया है कवियत्री से। तो आज हम इस पोइम के विषय में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन कर लें। द ट्रीज, ट्रीज आप लोग सभी जानते हो, वृक्ष, पेड़। तो ये जो पोइम है वो वृक्ष के बारे में है, अर्थात पेड़ों के विषय में है। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, no the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम टीचिंग करेंगे, देखो। सो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम रीडिंग करेंगे, देखो। The trees, trees means वृक्ष, पेड़। Inside, inside means घर के अंदर, अर्थात जो पेड़ घर के अंदर थे, are moving out, वे जा रहे हैं बाहर की ओर। कहाँ पर? Into the forest, कहाँ पर? जंगलों की ओर। कि जो वृक्ष पहले घरों में थे वे अब कहाँ जा रहे हैं? जंगलों की ओर। अर्थात कवियत्री क्या कहती हैं कि लोग पेड़ पौधों का उपयोग क्या करते थे? घरों को सजाने में। अर्थात ज्यादातर लोग पेड़ पौधों को घरों में लगाते थे, लेकिन वे पेड़ पौधे जो घरों में थे अब वे कहाँ जा रहे हैं? जंगल की ओर। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, द फॉरेस्ट जो जंगल, दैट वॉज एम्प्टी क्या थे? एम्प्टी मतलब खाली, ऑल दीज डेज इतने दिनों से, कि जो जंगल इतने दिनों से क्या थे? बिल्कुल खाली थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, जहां पर कोई भी कीड़ा नहीं छिप सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, नो सन कोई सूर्य, बरी बरी मींस गाड़ना, इट्स फीट अपने पैरों को, इन शैडो मींस छाया में, ना ही सूर्य अपनी प्रकाश रूपी किरणों को वहां पर गाड़ सकता था। अर्थात जंगल में सूर्य का प्रकाश भी नहीं दिखाई देता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, कि जो जंगल, दैट वॉज एम्प्टी जो क्या थे? बिल्कुल खाली थे। ऑल दीज नाइट्स इतनी रातों से, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वे सुबह तक किससे भर जाएंगे? मॉर्निंग सुबह तक ट्रीज पेड़ों से। कवियत्री कह रही है कि जो पेड़ पौधे घरों में हैं अब वे धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? जंगलों की ओर। कि जो जंगल इतने दिनों से क्या थे? बिल्कुल खाली थे, जहां पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, कोई कीड़ा नहीं चिप सकता था, जहां सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता था। जो जंगल इतनी रातों से बिल्कुल खाली थे वे सुबह तक क्या हो जाएंगे? वृक्षों से, पेड़ पौधों से हरे भरे हो जाएंगे। सेकेंड स्टैंजा देखो इसका, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डुअर्स। ऑल नाइट पूरी रात, द रूट्स जो जड़े हैं वो वर्क कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, टू डिसएंगेज, डिसएंगेज का अर्थ है काम से मुक्त हो जाना, देमसेल्व्स अपने आप को फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स बोलते दरारों से, इन द वरांडा फ्लोर बरामदे का फर्श, कि जो बरामदे में जो फर्श हैं वहां पर जो दरारें हैं, तो जो जड़े हैं वो पूरी पूरी रात उनसे बाहर निकलने का क्या कर रही हैं? उन दरारों से मुक्त होने का प्रयत्न कर रही हैं। आपने देखा होगा अगर किसी घर में पेड़ पौधा रहता है तो जो नीचे की दरारें रहती है उसकी जड़ें उन दरारों को फोड़कर बाहर
निकल आती हैं, अर्थात उन दरारों से वो जड़ें बाहर आ जाती हैं। तो कवियत्री कह रही कि ऐसा लग रहा है कि मानो पेड़ पौधे भी इन फर्श की दरारों से मुक्त होना चाहते हैं, इस फर्श से बाहर निकलना चाहते हैं और जंगल की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए कवियत्री कह रही है कि पूरी रात जड़े क्या कर रही है, इस फर्श से स्वयं को मुक्त कराने में लगी हुई है। द लीव्स स्टैंड टुवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स है जो पत्तियां हैं स्ट्रेन वो झुक रही है टुवर्ड्स द ग्लास, किसकी तरफ? ग्लास मींस शीशा, शीशा मींस यहां पर लेंगे हम खिड़की की तरफ, कि जो पत्तियां हैं वो कहां पर झुक रही हैं? खिड़कियों की तरफ, अर्थात वो भी खिड़की से बाहर निकलना चाहती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टे विद एक्सर्शन, और जो स्मॉल ट्विग्स है अर्थात छोटी टहनियां है स्टिव विद एक्सर्शन, वो बहुत ही ज्यादा एक्सर्शन मतलब कार्य करने से स्टिव मतलब बिल्कुल सीधी हो गई है, सख्त हो गई है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स, और जो लंबी मुड़ी हुई शाखाएं हैं सफलिंग, वो बार बार हिलकर रगड़ खाने से अंडर द रूफ, कहां पर? छतों के नीचे, ऐसी हो गई है कि मानो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, की जिस प्रकार एक रोगी क्लिनिक डोर की तरफ बढ़ता है अर्थात अस्पताल के दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो वो कैसा रहता है? हाफ डैज्ड, आधा भौचक्का का, अर्थात उसे पूरा होश नहीं होता। सेम उसी तरीके से जो लंबी मुड़ी हुई शाखाएं हैं वो भी फर्श से बार बार रगड़ खाकर ऐसी हो गई है। सेकेंड स्टडा में कवियत्री ने क्या बताया कि जड़ें दिन रात प्रयत्न कर रही हैं फर्श की दरारों से बाहर निकलने का, जो पत्तियां हैं वो खिड़कियों की ओर झुक रही हैं और जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो बहुत ज्यादा परिश्रम करके क्या हो चुकी हैं? बिल्कुल सीधी। एंड लंबी मुड़ी हुई जो शाखाएं हैं वो किसकी तरह हो गई है कि जैसे अस्पताल से रोगी जब दरवाजे की ओर बढ़ता है तो कैसा रहता है? हाफ डैज्ड, आधा भौचक्का का, तो सेम वैसी ही वो लंबी मुड़ी हुई टहनियां हो गई है। नेक्स्ट स्टेंजा देखो, आई सिट इनसाइड, कवियत्री कहती है कि मैं कहां बैठी हुई हूं? अंदर। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और जो मेरा दरवाजा है वो कहां पर खुल रहा है? बरामदे की ओर, अर्थात मैं कमरे में बैठी बैठी किसको देख पा रही हूँ? बरामदे को। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं क्या कर रही हूँ? लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, अर्थात बड़े बड़े पत्र। इन विच, जिसमें आई स्केर्सली, मैं मुश्किल से ही मेंशन, वर्णन करती हूँ, डिपार्चर, प्रस्थान करने का, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि मैं अंदर बैठी हुई, मेरा दरवाजा कहाँ पर खुला हुआ है? बरामदे की ओर, और मैं बड़े बड़े पत्र लिख रही हूँ जिसमें मैं मुश्किल से ही किनका वर्णन करती हूँ? घर से जंगल जाने के प्रस्थान का, अर्थात जो पेड़ पौधे घर से कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? जंगल की ओर, तो मैं उसका मुश्किल से ही उसमें वर्णन कर पाती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि बिल्कुल क्या है? फ्रेश है, ताजा है। द होल मून साइंस, पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन अ स्काय स्टिल ओपन, अर्थात खुले आसमान में पूरा चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, कि जो स्मेल है, जो गंध है, किसकी? लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियां, एंड इसको आप लाइकेन भी बोल सकते हो, लेशन भी बोल सकते हो, अर्थात शेवाक, जो शेवाक है और जो पत्तियां हैं उनकी गंध आ रही है, अर्थात इसका मतलब है कि कवियत्री कमरे में बैठी बैठी भी प्राकृतिक गंध का आनंद ले पा रही है। स्टील रिचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, के जिस प्रकार आवाज देने पर कमरे तक आवाज आती है, ठीक उसी प्रकार बरामदे से जो पत्तियां, जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी पत्तियां और वहां से शेवाक की गंध मेरे कमरे तक पहुंच रही है। इस स्टंजा में कवियत्री ने क्या समझाया कि कवियत्री कहाँ बैठी हुई है? अपने कमरे में, जिसका जहां से वो किसको देख पा रही है? बरामदे को। बरामदे में क्या है? वृक्ष, तो वो पत्र लिख रही है और वो कह रही है कि मुश्किल से ही मैं घर से जंगल की ओर प्रस्थान का वर्णन कर पा रही हूँ। क्या लिखती है वो? कि नाइट बिल्कुल ताजा है, पूरा चंद्रमा खुले आसमान में चमक रहा है और मुझे किस किस स्मेल आ रही है? पत्तियों की और शेवाक की। अगले स्टंजा में देखो, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, कि मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, फुल ऑफ विस्पर्स, वो कानाफूसियों से भर गया है।
विच टुमोरो विल बी साइलेंट, जो कल तक क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे. लिसन, सुनो. अब देखो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कि खिड़कियों के जो शीशे हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्रेकिंग हो रहे हैं, अर्थात टूट रहे हैं. द ग्लास इज ब्रेकिंग, खिड़कियों के शीशे अब टूट रहे हैं. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, जो वृक्ष हैं वो स्टम्बलिंग करते हुए, लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. इन टू द नाइट, कहां पर, रात्रि में जंगल की ओर बढ़ रहे हैं. Winds rush to meet them, हवाएं भी उनसे मिलने को बहुत ही तेज चल रही हैं. The moon is broken like a mirror, पत्तियों के बीच में से चंद्रमा कैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल टूटा हुआ. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak, जबकि tallest oak मतलब बहुत ही लंबा बलूत का जो वृक्ष है, वहां से अगर आप चंद्रमा को देखोगे तो वहां से कैसा प्रतीत होता है कि मानो जो क्राउन है, जो ताज है, उसमें क्या चमक रहे हो, चंद्रमा के टुकड़े. लेकिन पत्तियों के बीच में चंद्रमा कैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल टूटा हुआ. सो ये पोईम इसमें कवियत्री हमें ये बताना चाह रही है कि हमें पेड़ पौधों को घरों में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जंगल में लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनकी वास्तविक स्वतंत्रता वहीं पर प्राप्त होती है. कमरे के अंदर अगर आप पौधा लगाओगे तो आप देख सकते हो कि उनकी जड़ें फर्श की दरारों से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण डेवलपमेंट होने का स्थान नहीं मिल पाता. सो ये आपकी जो द ट्रीज पोईम है वो कंप्लीट हो गई है. अब इसके मैं वर्ड मीनिंग्स लिखवा देती हूँ, तो आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में इनको कंप्लीट कर लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर. नेक्स्ट, एम्प्टी. Empty means खाली. Next, insect. Insect means कीड़े. Next, bury. Bury means गाड़ना. Next, shadow. Shadow means छाया. Next, descendants. Descendants means काम से मुक्त होना. Next, cracks. Cracks means दरारें. Next, veranda. Veranda means baranda. Next, strain. Strain means झुकना. Next, twigs. Twigs means टहनिया. Stiff. Stiff means सख्त. नेक्स्ट, एक्सर्सन. एक्सर्सन मीन्स स्टिफ मीन्स थक्त, सख्त. स्टिफ मीन्स सख्त, एक्सर्सन मीन्स मेहनत करना. Next, long, cramped. लंबी, मुड़ी हुई. Buffs means टहनियां या शाखा. Shuffling,
अदल बदल अर्थात बार बार हिलना या डूबना। डिस्चार्ज डिस्चार्ज मीन्स छुट्टी प्राप्त। नेक्स्ट मीन्स हाफ डेस्ट। आधा बहुत चक्का। नेक्स्ट डिपार्चर प्रस्थान। लाइकी सेवा। नेक्स्ट विस्पर्स काना फूसी। नेक्स्ट स्ट्रम्बलिंग स्ट्रम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाना। नेक्स्ट फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ। नेक्स्ट फ्लेश फ्लेश मीन्स चमकना। नेक्स्ट क्रॉन क्रॉन मीन्स ताज। टॉलेस्ट टॉलेस्ट मीन सबसे लंबा। नेक्स्ट ओक ओक मीन्स बलूत का वृक्ष। सो ये आपकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। एक बार इनका प्रोनाउंसिएशन हम कर लेते हैं। इनसाइड इनसाइड मीन्स अंदर। एम्प्टी एम्प्टी मीन्स खाली। इंसेक्ट इंसेक्ट मीन्स कीड़े। बरी बरी मीन्स गाड़ना। शेडो शेडो मीन्स छाया। डिसएंगेज मीन्स काम से मुक्त होना। क्रैक्स मीन्स दरारें। वरांडा मीन्स बरामदा। स्ट्रेन मीन्स झुकना। पिक्स मीन्स टहनियां। स्टिफ मीन्स सख्त। एक्सेसन मीन्स मेहनत करना। लॉन्ग क्रैम्प मीन्स लंबी मुड़ी हुई। बॉक्स मीन्स टहनियां या शाखा। शफलिंग मीन्स अदल बदल करना या फिर बार बार हिलना डुलना। डिस्चार्ज मीन्स छुट्टी प्राप्त। हाफ डेज मीन्स आधा भोजन का। डिपार्चर मीन्स प्रस्थान। लाइकिंग मीन्स सेवा। विस्पर्स मीन्स कानाफूसी। स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाना। फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ। फ्लैश मीन्स चमकना। क्रॉन मीन्स ताज। टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। ओक मीन्स बलूत का वृक्ष। तो ये आपकी जो क्लास टेंथ की इंग्लिश की पोईम है द ट्रीज वो कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको नोट करवा दिए हैं बिल्कुल। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।